हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पास इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 11 हिंदी मीडियम। लेसन अपना पहला चल रहा था रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। आज के लिए टॉपिक बात करेंगे मापन में अनिश्चितता। देखिएगा, रसायन विज्ञान के अंतर्गत कहीं जो है अपन लोगों को प्रायोगिक आंकड़ों के साथ साथ सैद्धांतिक आंकड़ों के बारे में भी क्या करनी पड़ती है, बात चर्चा करनी पड़ती है, यानी प्रायोगिक वैल्यूज और थ्योरेटिकल वैल्यूज। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन वैल्यूज को अपन प्रॉपरली वे में नहीं बता सकते, यानी उसका मापन जो है, अपन अगर बात करें मेजरमेंट जो बात करें, वो इतना सटीक नहीं बता सकते। कुछ ना कुछ क्या आती है उनमें अनिश्चित, यानी जो चीज हमें एक्सप्लेन करनी होती है अपन उसको यथार्थता से जो है वो मापन नहीं कर सकते, एकदम परफेक्टली जो है वो एक्यूरेटली जो है वो अपन उसको एक्सप्लेन नहीं करते, एक्यूरेटली एक्सप्लेन नहीं करते, यानी कुछ प्रैक्टिकली वैल्यूज में चेंजेस आ जाते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, मापन में अनिश्चितता। और इन्हीं मापन में अनिश्चितताओं को थोड़ा सा कम करने हेतु कुछ अलग अलग विधियों का उपयोग किया गया है, कुछ संकेतों का उपयोग किया गया है, कुछ मेथड अपनाए गए हैं जिसके आधार पर अपन मापन में अनिश्चितता क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आज अपन बात करते हैं पहली ऐसी मेथड, वैज्ञानिक संकेतन। यानी क्या होता है, देखो वैज्ञानिकों द्वारा बड़ी संख्याओं को या अति सूक्ष्म संख्याओं को, जैसे देखेंगे अपन एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिएगा जैसे मैंने कहा कि सर 2 ग्राम हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या के लिए अगर बात करें तो वो संख्या कुछ इस तरह होती है 6, 6, 2, 2 और पीछे इतने सारे 0, ठीक है सर। या मैं अगर बात करूं हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लिए तो ये साहब ये द्रव्यमान हो गया ग्राम में। अब का सर देखने में बड़ा अच्छा लगता है, अरे यार मजा आएगा इतनी बड़ी संख्या में। लेकिन अगर मैं आप लोगों को इन्हीं संख्याओं के साथ सामान्य परिघटना जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग ये करने के लिए तो फिर साहब इतने को कहां एडजस्ट करेंगे, नहीं ना। तो इतनों को अपन इसी के साथ, जैसे और भी होता है, जैसे अपन बात करें प्लैंक कांस्टेंट हो गया, प्रकाश का वेग हो गया, ये बड़ी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, का सब इतनी संख्याओं के साथ सामान्य जो गणित है जोड़ भागी गुणा भाग उनको करना क्या होगा, बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा। समझ में आई बात आप लोगों को? तो इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए, इसी समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने एक नया मेथड दिया इन बड़ी संख्याओं को संक्षिप्त में लिखने का, ताकि कम से कम जगह में ज्यादा जो है वो आंकड़े दर्शाए जा सके, उसको कहा गया वैज्ञानिक संकेतन। क्या कहा गया? वैज्ञानिक संकेतन कहा गया। इसे प्रदर्शित करने के लिए कहा गया एक मेथड कहा गया n गुणा 10 की घात स्मॉल n, यहां जहां स्मॉल एन क्या है, चर घातांक है। क्या है स्मॉल एन? चर घातांक, ठीक है सर। नंबर या क्या है, एन एन क्या हो सकता है सर, कैपिटल एन नंबर, क्या होते हैं नंबर, जहां 1.000 से 9.999 तक हो सकता है। कैपिटल एन क्या हो सकता है, 1.000 से 9.999 हो सकता है, यानी किसी भी संख्या को n गुणा 10 की घात n में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। अब देखिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं अपन कैसे वैज्ञानिक संकेतन। देखिए मेरे पास ये बड़ी संख्या 232.508, ठीक है सर। अब मुझे इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, तो मैं क्या करता हूं कि इस दशमलव को क्या करें, इस दशमलव को खिसकाने का एक सिस्टम होता है, यानी आप किधर लेफ्ट साइड ले जा रहे हो या राइट साइड ले जा रहे हो। मैं काम करता हूं, अगर मैं इस दशमलव को लेफ्ट साइड यानी बाई तरफ ले जाऊं, यदि दशमलव बाई ओर लिया जाए तो 10 की घात हमेशा धनात्मक होती है। कैसी होगी? धनात्मक। जैसे मैं कहता हूं इस दशमलव को मैंने 2 अंक जो है वो दाई तरफ, तो वैल्यू क्या होगी, 2.32508 छोटी होगी ना, पहले 232 थी अब 2 दशमलव के समथिंग आ गई। लेकिन दशमलव को मैंने 2 अंक लिया तो 10 की घात चर घातांक के रूप में कितने कितने अंक खिसकाया आपने, 2, है ना, किधर लेफ्ट साइड। अगर 2 अंक लेफ्ट साइड आए तो 10 की घातांक में क्या आ गया, यानी जितने दशमलव को जितने पद तक आप जितने अंक तक खिसकाते हो वही आपका क्या होता है, चर घातांक। बस याद रखना, अगर बाई तरफ यानी लेफ्ट साइड आ रहा है तो धनात्मक होगी और राइट साइड खिसक रहा है तो ऋणात्मक होगी। देखिए तो ये क्या आ गया आपका 10 की घात
2.32508 × 10 की घात -2। देखो वैज्ञानिक संकेतन क्या था, n गुणा 10 की घात n, इसी फॉर्मेट में है ना, देखो n गुणा 10 की घात स्मॉल n, चल घातांक की फॉर्मेट में आ गया, समझ में आ रही बात आप लोगों को, इसको कहते हैं वैज्ञानिक संकेतन। एक एग्जांपल देखते हैं अपन माइनस की घात का, ठीक है सर, ये अपने वैल्यू है 0.00016, बहुत ज्यादा स्मॉल संख्या है, उसको बड़ी कर ली, देखो बड़ी की उसको हमने क्या कर लिया, छोटी कर लिया चर घातांक लगा करके वैज्ञानिक संकेतक के थ्रू, और छोटी को हम क्या करेंगे बड़ी कर ले। तो देखो ये दशमलव किधर ले जाना है, राइट साइड यानी दाई तरफ, अभी तक किधर, तो देखो यहां लिखूंगा यदि दशमलव कहां आ जाए दाई तरफ तो क्या आएगा माइनस का एन आएगा, दस की घात क्या आएगा माइनस, अभी माइनस एन जितने पद तक आप हटाओगे, देखो मैं यहां से ले जा रहा हूं, देखो 1 2 3 4 यानी मैंने दशमलव 1 और 6 के बीच में लाया, यहां लगाया कटने लगाया 1 2 3 और 4 के बाद लगाया, तो देखो 1.6 × 10^10, अब क्या आएगा राइट साइड गया माइनस का 4, यहां चर घातांक क्या आ गया माइनस का 4, बात आ रही समझ में। तो कहा सर वैज्ञानिक संकेतों द्वारा किसी भी संख्या को सूक्ष्म या बढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, गणितीय परिकल्पनाओं को आसानी से हल किया जा सकता है, ठीक है सर। चलिए अब देखिएगा जो वैज्ञानिक संकेतन थे उसी के थ्रू अपन जो गुणा और भाग करके देखते हैं, तो देखिए मेरे पास संख्या है 5 × 5.6 × 10^5 और उसको मल्टीपल करना है 6.9 × 10^8। अब देखिएगा कैसे करेंगे, सदैव याद रखिए कि गणित का नियम है कि आधार अगर समान हो तो गाते क्या होता है जुड़ जाती है, जोड़ने पे है ना, गुणा जब करते हैं तो आधार समान होता है गाते जुड़ जाएगी। तो सबसे पहले इन प्रारंभिक नंबर यानी 5.6 × 6.9 का तो आप क्या करोगे गुणा करोगे, और आधार क्या है दोनों समान है तो गाते देखो 1 + 5 + 8, आधार समान होने पर बेस समान होने पर जो घात है वो हमेशा क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, ये आप लोग याद रखिएगा, समझ वाली बात। अब देखेंगे इन दोनों का जो मल्टीपल है वो कितना आएगा 38.64, कितना आएगा 38.64 × 10^8 = 5 = 13, समझ वाली बात, ये आप लोगों का आंसर हो गया, ठीक है सर। और देखेंगे अगर इसको और छोटा करूं, और छोटा करूंगा क्या होगा, दशमलव को लेफ्ट साइड ले दूं और छोटी संख्या आ जाएगी तो और इजी हो जाएगा, छोटी संख्या एक लेफ्ट साइड लेने पर देखो बढ़ जाएगी ना पॉजिटिव की घात, तो आपका हो जाएगा 3.864 और छोटा हो गया 10^14, ये आपका आंसर है। तो इतने इजी गोइंग में आपके जो है वो वैज्ञानिक संकेतों द्वारा गुणा भाग हो जाता है। अब भाग करके देखें, देखो भाग भी बहुत इजी है, क्या हुआ देखो कि पहले तो मैं कह रहा हूं ये देखो 2.7 × 10^-3 और 5.5 × 10^4। अब अपन एक काम करते हैं सर, पहले तो इस घात को क्या ले जाता हूं मैं ऊपर ले जाता हूं गुणा में ले जाता हूं, है ना, तो 2.7/5.5 ऊपर क्या 10^-3, ये भी ऊपर क्या धनात्मक थी, ऊपर जाएगी तो किसमें हो जाएगी ऋणात्मक, आधार समान घातें जुड़ जाएगी, तो आपका क्या रहेगा सर 2.7/5.5 × 10^-7 -3 और -4 कितने हो जाएंगे -7। अब देखिए इसका आंसर आता है 0.4909 × 10^-7, और भी छोटी है थोड़ी सी बड़ी कर दे, बड़ी करेंगे क्या होगा दशमलव को कितने ले जाऊंगा राइट साइड, और राइट साइड ले जाने पे मैंने अभी बताया घातांक माइनस में एक बढ़ती, एक ही अंक ले जाओ 4.909, एक अंक ले गए है ना, 0 से 1 किधर रह गए, तो क्या हो जाएगी 10^-8, ये आपका आंसर। तो बहुत इजी है, हो जाता है वैज्ञानिक संकेतों द्वारा। अब अपन एक जोड़ और बाकी के बारे में बात, अब अपन जोड़ और बाकी की बात करें तो देखेंगे यहां पर हमारे पास से पहले जोड़ की बात करते हैं 6.65 × 10^4 8.95 × 10^3। अब क्या हुआ देखिए यहां से अपन एक चर्चा करें तो आधार तो समान है, गाते अलग अलग, तो सबसे पहले तो गातों को समान करो, तो देखो गातों को समान करने के लिए या तो इसको 3 कर लो या इसको 4 कर लो, मैं इसको 4 करता हूं। 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सर दशमलव को किधर लेके जाओ लेफ्ट साइड, दशमलव को किधर लेके जाओ लेफ्ट साइड, यानी ये दशमलव अगर इधर लेफ्ट साइड किसके का तो एक अंक बढ़ेगा। चलिए 6.65 × 10^4 + 0.895 × 10^4 बोलो आधार समान हुआ कि नहीं हुआ, आधार समान हुआ ना, आधार समान होते ही देखिए आप क्या करो इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा
सात दशमलव, देखिए जोड़ दीजिए, सात दशमलव पांच चार पांच और आधा दोनों के तो जुदाई दस की घात चार रहेगा। आंसर आ गया, ये याद रखिएगा, आधा दोनों को इक्वल कर दो और एक बार लिख दो, ये जोड़ की बात होगी, ठीक है। और सेम के सेम आपको क्या काम करना है, आपको काम करना है इसके साथ, इसके साथ माइनस के साथ भी आपको सिमिलर काम करना है। तो देखेंगे ये क्या है, दो दशमलव पांच गुणा दस की घात माइनस दो, चार पॉइंट आठ गुणा दस की घात माइनस तीन, आधा तो दस है लेकिन घाते अलग अलग है, इसको एक पॉजिटिव कर दो, लेफ्ट साइड अगर मैं ले लूं तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा तो माइनस थ्री में से एक धनात्मक गया तो माइनस टू, तो देखो क्या हो जाएगा, दो दशमलव पांच गुणा दस की घात माइनस दो माइनस जीरो पॉइंट चार एक गुणा दस की घात माइनस दो। समझ आ रही बात, अब आप आसानी से घटा सकते हो, घटाने पे आएगा पांच दो दशमलव जीरो दो गुणा दस की घात माइनस दो, ये आपका आंसर है, दो दशमलव जीरो दो गुणा दस की घात माइनस दो। तो इसी तरीके से वैज्ञानिक संकेतों में जोड़ और बाकी बहुत इजी हो जाता है। अगली क्लास में अपन सार्थक अंक से रिलेटेड बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।